हेलो गाइस, मैं पायल। वेलकम टू डीएनडी न्यूज। हर एक दिन की नई खबरें पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। दोस्तों, अभिनेता अजय देवगन आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। वहीं अजय देवगन के अनुसार अपने फिल्मी कैरियर के दौरान उन्होंने बॉलीवुड के अंदर कई सारी फिल्में दी और अपने ही दम पर आज उन्होंने इंडस्ट्री में काफी अच्छी लोकप्रियता हासिल की। अजय देवगन ने बॉलीवुड में अपने फिल्मी सफर की शुरुआत 1991 में की थी, जिनमें उसके साथ अभिनेत्री मधु शाह भी नजर आई थी। और ऐसे में आज हम आपको अभिनेत्री मधु शाह से मिलवाने जा रहे हैं, जिनकी उम्र आज 52 साल हो गई है। अभिनेत्री ने हाल ही में एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया था कि अपनी पहली फिल्म के दौरान ही जब उन्होंने 4 दिन तक फिल्म की शूटिंग की थी तो उसके बाद उन्हें बिना बताए ही फिल्म से रिप्लेस कर दिया गया था। वहीं अभिनेत्री ने आगे बताया कि जिस तरीके से उन्हें इस फिल्म से रिप्लेस किया गया था उससे वे पूरी तरीके से टूट गई थी और इससे उनके स्वाभिमान को भी गहरा ठेस पहुंचा था। वहीं उन्होंने आगे बात करते हुए बताया कि उनके साथ उनके परिवार वाले और कुछ करीबी भी इस मामले से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। वह इस मामले को लेकर मधु पूरी रात रोती रहती थी और इसी वजह से कई दिनों तक वे कॉलेज भी जाती रहती थी। वहीं अभिनेत्री ने बताया था कि फिल्म से हटाए जाने की जानकारी अखबार को भी मिल गई थी। वहीं इस बारे में आगे बात करते हुए फूल और कांटे की अभिनेत्री मधु ने बताया कि जो कुछ भी हुआ उसने उनको काफ़ी हद तक बदल दिया था। इन सब के बाद मधु अपने कैरियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गई और इसके बाद उन्होंने और मेहनत और लगन के साथ काम करना शुरू किया। वहीं अभिनेत्री आगे बताती है कि इन घटनाओं से आज वह जिस मुकाम तक पहुंची है उसमें उनका बहुत ही ज़्यादा योगदान है।